यूपी के एटा में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया है, जहां थाना जलेसर क्षेत्र में हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील सिंह के निर्देशन में महानमई हुए रामवीर हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी रामदास को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि 14 मई को रामवीर रात के समय घर पर सोए हुए थे, उसी समय अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी हत्या कर दी थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। कल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामदास को गिरफ्तार किया। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पुलिस द्वारा एक हत्या आरोपी गिरफ्तार किया गया सर, क्या है पूरा मामला? थाना जलेसर क्षेत्र में 14 मार्च को एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके घर में पड़ा मिला था। गर्दन पे, गले पे उसके धारदार हथियार के निशान थे। हत्या का अभियोग इसमें अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। आज उस घटना का जलेसर पुलिस ने खुलासा किया है। दो आरोपियों को, जो सगे भाई हैं और पड़ोसी हैं उस मृतक के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला, 4 बीघा जमीन जो आरोपियों के कब्जे में थी उसको मृतक छुड़ाना चाह रहा था, और उसका भाई जो काफ़ी समय से लापता था उसकी उस जमीन को अपने नाम मृतक कराना चाहता था। इसी रंजिश में इन दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी धारदार हथियार से गर्दन काट के हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों ने जो उनका इकबाल किया है और इनको न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।